अवनीत कौर है, बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में 4 ईयर, बीएड मैथ्स इंग्लिश है, सीटेट भी क्लियर है, पेपर वन पेपर टू क्लियर है। प्लीज टेल मी एलिजिबिलिटी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबिलिटी पूछ रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब का एनालिसिस मैंने पिछले 2015 से अब तक का किया है उसके अनुसार तो आपका ये आपके बीटेक है, कंप्यूटर साइंस आपने 4 साल पढ़ा है। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि आपने कंप्यूटर साइंस लिया है लेकिन कंप्यूटर साइंस की पिछले सालों में डायरेक्ट पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है। हाँ, मैथ्स और इंग्लिश ही हुई है। आपका ये कॉम्बिनेशन बीएड में हो गया, ये गुड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब की है, ये गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी है, आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वो आपने नहीं पढ़ा। तो फर्स्ट सजेशन है आपको ग्रेजुएशन का एडिशनल पेपर देना ही होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबिलिटी फॉर टीजीटी मास्टर कैडर मैथ्स उसी में से सब कुछ निकाला हुआ है। एडिशनल पेपर देना होगा मैथ्स का और ये 3 साल के इकट्ठे पेपर होते हैं। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपको मेरे ख्याल में 6 या 9 पेपर इकट्ठे देने होंगे। डिफिकल्ट है लेकिन कर लेना चाहिए। अगर सेमिस्टर है तो ये पेपर डिवाइड हो जाएंगे। मैंने वीडियो पीछे डाले हैं बीए और बीएड के एडिशनल कैसे देने हैं, आपको देख लेने चाहिए कि किसी भी तरह से आप एलिजिबल गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं हो। सो मैथ्स के लिए आपको एडिशनल 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। दूसरा आपके साथ पास है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी बीटेक में आपने जनरल इंग्लिश पढ़ी होगी। जनरल इंग्लिश वाला गवर्नमेंट पंजाब में एलिजिबल नहीं है। उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। ये रही एलिजिबिलिटी फॉर टीजीटी मास्टर कैडर इंग्लिश क्लास ग्रेजुएशन, आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी हुई होनी चाहिए। कितने साल? 3 साल, वो आपने नहीं पढ़ी हुई। दैट इज वाई आपको एडिशनल ये देना होगा इलेक्टिव इंग्लिश का 3 साल का, जैसे मैथमेटिक्स का होता है। शुड हैव स्टडीड फंक्शनल इंग्लिश, आपने नहीं पढ़ी। इंग्लिश लिटरेचर आपने नहीं पढ़ा। बीए ऑनर इंग्लिश नहीं, बीए ऑनर इंग्लिश हाँ नहीं है आपके पास। और शुड हैव पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मैं स्पेशली बता दूं, नॉर्मली जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं पीछे वो ग्रेजुएशन को ही बेस बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश की टीजीटी की पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन को एलिजिबिलिटी बना दिया गया है। दैट इज वाई यहाँ वेरिएशन होती है। तो मेरे ख्याल में अवनीत आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश की भी नहीं है और ये भी नहीं है। मेरे ख्याल में आपको बीए का एडिशनल देना चाहिए। अगर आपका मन करता है एमए इंग्लिश भी कर सकते हो, लेकिन ये क्राइटेरिया हर बार नहीं रहता है एमए का। बीए का तो पक्का है कि अगर बीए का एडिशनल देते हो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आपने ये नहीं बताया एक के मास्टर डिग्री आपने कोई की है या नहीं की। तो मास्टर डिग्री की भी है, मान लीजिए आपने मैथ्स की मास्टर डिग्री की है, अगर की है तो आप पीजीटी के लिए, देन आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने एमए इंग्लिश की हुई है तो भी आप पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। मेरे ख्याल में हर हालत में आपको एडिशनल मैथ्स ग्रेजुएशन का और एडिशनल इंग्लिश का ये दे देना चाहिए। आप किसी भी तरह से एलिजिबल गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बनते। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।